Hello students, welcome back again. Now in this lecture I am going to discuss solution of NCERT exercise 7.3. okay, so let's start with problem number 1. See, in question 1 it is given that sine square, we have to integrate sine square 2x plus 3. ओके, देन सी कैसे इंटीग्रेट करेंगे. सी सॉल्यूशन ऑफ वन, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन वन, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर x को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 रख देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये 2x प्लस 5 को t मान लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो 2dx किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू dt, दैट इंप्लाइज dx इज dt by 2, ठीक है. तो यहां पे लिखोगे इसको साइन स्क्वायर t इंटू dx, या फिर क्या लिखेंगे dt by 2, तो 1 by 2 बाहर ले लो इंटू dt, एंड सिमिलरली 1 by 2 साइन स्क्वायर t को लिखेंगे 1 माइनस cos 2x यानी 2t अपॉन 2 इंटू dt. अब देखो 2 इंटू 2 4, 1 by 4, इंटीग्रेशन ऑफ वन इज टी माइनस टी के डीटी के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में डीटी दिया, इट मींस व्हाट, इसको हमें टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है. कॉस 2t का इंटीग्रेशन होगा साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव 2, तो बाय 2 कर दो, प्लस सी, प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो 1 बाय 4, व्हाट इज टी, टी इज 2x प्लस 5 माइनस साइन 2 इंटू 2x प्लस 5 यानी 4x प्लस 10 अपॉन 2, ठीक है, एंड प्लस सी भी दिया है, तो प्लस सी भी लिख लो, ठीक है. अब देखो क्या करेंगे, यू कैन राइट 2x यानी हो जाएगा x by 2 प्लस 5 by 4 माइनस 1 by 8 साइन 4x प्लस 10 एंड प्लस सी. तो देखो 5 by 4 इज ए कॉन्स्टेंट, c प्लस 5 by 4 इज अनदर कॉन्स्टेंट c, तो x by 2 माइनस 1 by 8 sin 4x plus 10, ठीक है, and plus c, यानी 5 by 4 c को मिला के एक other constant रख देंगे c, तो this one is our final answer. अब देखो हम solution 2 कैसे करेंगे, solution 2, equation 2, question 2, तो ये कह रहा है integral of sin 3x into cos 4x into dx. तो देखो बेटा कैसे हम प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 2 sin 3x into cos 4x dx, ठीक है. तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, 2 sin a cos b, तो ये होगा sin a plus b plus sin a minus b, sin a plus b मतलब 7x, ठीक है, sin a plus b, sin a plus b plus sin a minus b, तो sin a minus b मतलब 3x minus 4x minus x into what dx. तो देखो इसको ऐसे लिखोगे 1 by 2, अब देखो इसको लिखोगे बेटा sin 7x minus sin x, sin पे minus का इफेक्ट पड़ेगा, minus बाहर आ जाएगा, into dx, and sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा, minus cos 7x upon 7, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो प्लस cos x प्लस c, अब मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 14 cos 7x, ठीक है, प्लस 1 बाई 2 cos x प्लस c, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन 3, करना है सॉल्यूशन ऑफ 3, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 2x cos 4x cos 6x, ठीक है, into dx. तो देखो बेटा सिमिलरली वैसे ही 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 cos 2x cos 2x cos 4x into cos 6x into dx. अब देखो यहां से लगा दो आइडेंटिटी, 2 cos a cos b, तो ये होगा cos a plus b plus cos a minus b, 1 by 2 taken outside, इसको क्या लिखोगे, 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos a minus b,
a plus b करेंगे तो आएगा 6x plus cos a minus b करेंगे तो 2x minus 4x minus 2x, but cos पे minus का फरक नहीं पड़ता, तो cos 2x हो जाएगा into cos 6x, ठीक है बेटा, into dx, और multiply कर दो, similarly 1 by 2 तो बाहर रहेगा ही रहेगा, integration आप देखो, cos 6x into cos 6x, तो cos square 6x dx, plus, ये देखो, cos 2x into cos 6x into dx, देखो, अगेन इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। अब देखो बेटा इसको लिखोगे 1 by 2 cos square theta का इंटीग्रेशन होता है, मतलब फॉर्मूला होगा 1 plus cos 2 theta यानी 12x upon 2, cos square theta किसके बराबर होता है यहाँ पे नोट कर लो, ठीक है, see carefully, cos square theta equal to होता है 1 plus cos 2 theta upon 2, ठीक है, ते माइंड में रखना है, तो ये हो जाएगा into dx plus 1 by 2, अब ये देखो 2 cos a cos b, तो cos a plus b plus cos a minus b, ठीक है, तो ये होगा integration of cos a plus b यानी 8x plus cos a minus b यानी cos 4x into dx बड़ा bracket, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, 1 by 2 तो taken outside वो है ही, ये इस 1 by 2 को बाहर ले लो, अब dx के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन होगा x एंड cos 12x का होगा sin 12x अपॉन में 12, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 by 2, अब देखो cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4, ठीक है बेटा। अब क्या करोगे, 1 by 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 by 4 x, तो ये हो जाएगा x by 4, तो 1 by 4 into 12, तो ये हो जाएगा plus 1 by 48 sin 12x plus 1 by 2 into 1 by 2, तो ये हो जाएगा, ये देखो ये इसके साथ ब्रैकेट है, तो 1 by 2 1 by 4 4 8 जा 32, 1 by 32 sin 8x plus 1 by 4 and 4 4 4 जा 16 sin 4x plus c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ लिखेंगे sin क्यूब 2x plus 1 into dx, ठीक है, तो लेट कर लो बेटा 2x plus 1 t, तो 2 dx should be equal to dt, तो यहां से dx किसके बराबर लिखोगे, dt by 2, तो इसको यहां पे लिख सकते हैं sin क्यूब t, 2x plus 1 को हमने t माना और dx dt by 2 है, तो 1 by 2 बाहर आ गया into dt। अब देखो sin 3 theta का क्या formula होता है, हमें पता है कि sin 3 theta का formula होता है 3 sin theta minus 4 sin cube theta, ठीक है, we know that, तो यहां से बेटा sin cube theta किसके बराबर आएगा, sin cube theta is nothing but 3 sin theta minus sin 3 theta upon में 4, लिखोगे यस, तो यहां पे देखो रिप्लेस कर दो, 1 by 2 तो रहेगा ही, sin क्यूब थीटा होगा 3 sin थीटा minus sin 3 थीटा upon में 4 into dt, ठीक है बेटा, तो 1 by 8 हो जाएगा 4 और 2 8, 4 to 8 3 sin t, यानी 3 sin t का इंटीग्रेशन होगा minus cos t, minus sin 3 t का minus cos 3 t, cos 3 t upon में क्या लिखोगे 3 प्लस सी, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसको क्या लिखोगे, तो माइनस 3 by 8 cos t मल्टीप्लाई कर दो 1 by 8 से प्लस 1 by 24 cos 3 t, ठीक है, तो या तो यहीं पे तुम आंसर छोड़ दो, अब t की वैल्यू रख दो पहले प्लस सी, ठीक है, देखो एक तो आंसर यहीं पे t की वैल्यू रख देना, t क्या है यहां पे 2x plus 1, यहीं पे आंसर हो जाएगा, एग्जाम में यही छोड़ सकते हो। अगर बेटा इसको फर्दर तुम सिंपलीफाई करना चाहते हो, अगर मान लो कि इसको फर्दर सिंपलीफाई करना चाहते हो, तो देखो कैसे करोगे, cos 3t का फार्मूला तोड़ दो, तो ये देखो ये माइनस 3 में यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, अगर मान लो इसको फर्दर तुम सिंपलीफाई करना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, cos t plus 1 by 24 तो रहेगा ही, अब 3 cos 3t का फार्मूला होता है 4 cos cube t minus 3 cos t, है ना, प्लस सी, तो देखो अब इसको लिखोगे माइनस 3 by 8 cos t, है ना बेटे,
अब मल्टीप्लाई करो तो 1 बाई 6 कॉस क्यूब टी, ठीक है बेटा, माइनस 3 8, 1 बाई 8 हो जाएगा, 1 बाई 8 कॉस टी प्लस सी. अब देखो 3 बाई 8 कॉस टी, 1 बाई 8 कॉस टी, तो 3 माइनस माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 बाई 8 यानी माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 कॉस टी प्लस 1 बाई 6 कॉस क्यूब टी प्लस सी. अब टी की वैल्यू रख दो तो माइनस 1 बाई 2 कॉस टी, टी क्या है 2x प्लस 1 प्लस 1 बाई 6 कॉस क्यूब, टी की जगह पे रखोगे 2x प्लस 1 प्लस सी. दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, सी इन क्वेश्चन 5 कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे. अब देखो इसमें 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड कर दो, 8 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा 1 बाई 8. अब इसको लिखोगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, लिख सकते हो बेटा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का पावर 3 लिख सकते हो, एंड 2 साइन थीटा कॉस थीटा दैट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हो साइन 2 थीटा का पावर 3 इंटू डी एक्स. तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिखोगे साइन क्यूब 2x इंटू डी एक्स. ठीक है, एंड वी नो दैट साइन क्यूब थीटा किसके बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा अपॉन में 4. ठीक है, यस, तो यहां पे लिखोगे 1 बाई 8 साइन क्यूब थीटा की जगह पे 3 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा, थीटा यहां पे 2x है, माइनस साइन 3 थीटा यानी 3 टू जा 6 6 अपॉन में 4 इंटू डी एक्स. तो देखो 8 4 जा होगा 32, 1 बाई 32 ये हो जाएगा बेटा 3 साइन 2x माइनस साइन 6 6, ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स. अब इसको फर्दर तुम इंटीग्रेट करते हो तो ये आ जाएगा, देखो कॉस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस 2x अपॉन में 2, माइनस साइन 6x का हो जाएगा कॉस 6x अपॉन में 6 प्लस सी. दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. यहीं पे छोड़ दो, आगे हमें प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है. कॉस 6x को फर्दर तोड़ोगे तो बड़ा जाएगा, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन में एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, तो यू कैन लीव हियर, ओके, यहीं पे छोड़ सकते हो, नो नीड टू प्रोसीड अहेड. ठीक है ना, आगे भी कर सकते हो. cos 6x को हम cos के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, बट वो बहुत बड़ा जाएगा, इतना हमें करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, हाउ टू प्रोसीड इट. sin x sin 2x into sin 3x into dx. सी हाउ टू प्रोसीड, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2, तो 1 बाई 2 करो और यहां पे लिखोगे 2 साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स. नाउ 2 साइन ए साइन बी दैट इज नथिंग बट कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी. ठीक है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता वो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, उसको देख लो. ठीक है, यहां पे फॉर्मूला लगेगा 2 साइन ए साइन बी दैट इज नथिंग बट cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. सिंपली यू हैव टू कीप इन माइंड, ओके, तो देयरफॉर यू कैन राइट 2 sin a sin b cos a माइनस बी. cos a माइनस बी मतलब x माइनस 2x, माइनस x cos पे माइनस का फर्क नहीं पड़ता, माइनस cos a प्लस बी x प्लस 2x दैट इज 3x इंटू, अगेन क्या लिखोगे sin 3x इंटू dx. ठीक है, Similarly, you can proceed ahead like cos x into sin 3x. So you can write cos x into sin 3x dx minus cos 3x into sin 3x. So you can write cos 3x into sin 3x into dx. ठीक है, अब देखो 2 से multiply, 2 से divide. Again यहाँ देखो 2 से multiply, 2 से divide. ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 1 by 2 taken outside, 1 by 2 2 cos a 2 sin a cos b. तो यहां पे फॉर्मूला मैं लिख देता हूं 2 sin a cos b. ये फॉर्मूला होता है sin a plus b plus sin a minus b plus sin a minus b. This one is our final answer. तो 1 by 2, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a plus b, sin a plus b मतलब 3x plus x 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस x 2x, तो ये हो जाएगा साइन 2x dx. ठीक है, माइनस 1 बाई 2 अगेन, और ये देखो ब्रैकेट में आ गया माइनस 1 बाई 2, 2 साइन ए कॉस बी अगेन, देखो 2 साइन x कॉस x तो साइन 2x होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x मतलब साइन 2 इंटू 3x यानी 6x dx. ठीक है,
अब आगे प्रोसीड करो, देखो 1 बाई टू तो एज इट इज रहा होगा 1 बाई टू, साइन 4x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4, ठीक है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस 1 बाई टू ये हो जाएगा साइन x का माइनस कॉस 6x, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉस 6x अपॉन 6, ठीक है। अब आगे इसको लिखो, तो देखो 1 बाई टू, अब देखो इसको लिखोगे 1 बाई टू, या तो तुम एलसीएम लेके यहीं छोड़ सकते हो, ठीक है, या आगे प्रोसीड करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो देखो अगर एलसीएम लेते हो तो एलसीएम 4 आएगा, तो ये आएगा माइनस कॉस 4x, माइनस 2 2 या 4, तो 2 कॉस 2x आएगा, ठीक है बेटा, प्लस 1 बाई 12 कॉस 6x, ठीक है, 1 बाई 12 कॉस 6x, ठीक है। तो देखो अब आगे कैसे प्रोसीड करोगे, 1 बाई 2 तो बाहर आई, 1 बाई 2 को बाहर रहने दो, ठीक है। अब देखो यहां से 1 बाई 2, यहां से 1 बाई 2, 1 बाई 2 एक और बाहर ले लो, तो 1 बाई 2 एक और बाहर आ गया, तो यहां से 1 बाई 2 बाहर आ गया, तो 1 बाई 4 बचेगा, तो 1 बाई 4 ब्रैकेट में माइनस कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x प्लस 1 बाई 6 कॉस 6x, ठीक है बेटा। अब आगे हम लिखेंगे, तो 1 बाई 4, अब देखो माइनस 1 बाई 4 कॉस 4x है ना, अब देखो बेटा लास्ट में c तो आएगा ही, प्लस c हम लिख देंगे, माइनस 2 2 जा 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस 2x प्लस 1 बाई 6 कॉस 6x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 7, see how to proceed it, sin 4x into sin 8x dx multiply and divide it by 2, ठीक है, तो 1 by 2, 2 sin a sin b, cos a minus b minus cos a plus b, ठीक है बेटा, into dx, तो देखो 1 by 2 cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x upon 4 minus sin 12x upon 12 plus c, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। सी इन क्वेश्चन 8, ओके, हाउ टू सॉल्व इट, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 minus cos x upon 1 plus cos x, ओके, we know that cos having tendency to delete 1, 1 minus cos x is 2 sin square x by 2, is it all right, and 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 into dx, so the cos 2 says 2 ko cancel kiye, sin square x by 2 by cos square x by 2, that is nothing but tan square x by 2 into dx, and tan square theta is nothing but sec square theta minus 1, so sec square theta means sec square x by 2 minus 1, ठीक है, into dx, and integration of sec square x by 2 is say, अब देखो 1 by x by 2 को बेटा t मान लो, तो sec square t का tan square tan t होगा tan t, and x by 2 का derivative होगा 1 by 2, तो by 1 by 2 करेंगे तो 2 पर चला जाएगा minus x, 1 का integration x होगा plus c, तो हमारा final answer हो गया, ठीक है। Let's try to solve question 9th. See how to solve question 9th solution. See solution. Integration of cos x upon 1 plus cos x into dx. Now we know that cos x is cos square x by 2 minus sin square x by 2. Replace cos x by cos square x by 2 minus sin square x by 2, and 1 plus cos x is a 2 cos square x by 2 into dx. Now ab isko separate karo, dekho cos square x by 2 by cos square x by 2, 1 by 2 hoga, 1 by 2 dx minus 1 by 2 sin square x by 2 by cos square x by 2, that is nothing but tan square x by 2, theek hai। अब देखो इसको कैसे प्रोसीड करेंगे, x 1 by 2 dx, dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो x by 2 minus 1 by 2 tan square x by 2 is nothing but sec square x by 2 minus 1
हमने चेंज क्यों किया बेटा, बिकॉज टेन स्क्वायर एक्स बाई टू का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हमें पता है देखो sec स्क्वायर x sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू वन, वी नो दैट. ओके, देयरफॉर वी कैन राइट टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec स्क्वायर थीटा माइनस वन. ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे sec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो ये हो जाएगा x बाई टू माइनस वन बाई टू, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x बाई टू, ये हो जाएगा टू tan x बाई टू माइनस एक्स और प्लस सी. अब वन बाई टू का मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स बाई टू माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स बाई टू हो जाएगा प्लस सी. अब एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू, तो सिंपली यू कैन से एक्स हो जाएगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, हमारा फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑफ sin to the power 4x dx, ठीक है, then we know that sin square theta is nothing but 1 minus cos 2 theta upon 2, ठीक है, 1 minus cos 2 theta by 2, तो इसको देखो बेटा क्या लिखोगे, sin square theta का whole square, तो you can write sin का power 4x is sin square x whole square into dx, and replace sin square x by 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2x upon 2 whole square dx. तो देखो 1 by 2 whole square 1 by 4 हो जाएगा, 1 by 4 taken outside, a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab, 2 cos 2x into dx, 1 by 4 taken outside. अब देखो इसको इंटीग्रेट करो बेटा, 1 का इंटीग्रेशन होगा x plus, अब cos स्क्वायर x बाई टू, तो इसको लिखो cos स्क्वायर 2x माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, ठीक है, dx, यहां पे भी dx आएगा. ठीक है, हमने 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट x कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए हमने यहां पे इंटीग्रल साइन नहीं लगाया. ठीक है, तो यहां देखो 1 बाई फोर ये होगा x प्लस, देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, याद कर लो बेटा, यहां से cos स्क्वायर जो थीटा होता है, ये फॉर्मूले है सब, तो 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 4x, 2 into 2x 4x अपॉन 2 into dx माइनस 2, एंड cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x अपॉन 2 और प्लस c, तो आएगा ही आएगा. नाउ अब इसको देखो कैसे लिखोगे, 1 बाई फोर, ठीक है, 1 by 4 that is x plus, देखो 1 by 2 taken outside, ठीक है, 1 का integration x, cos 4x का integration sin 4x upon 4, ठीक है, minus देखो इस 2 से इस 2 को cancel करा दो, ये बच गया sin 2x plus c, तो यहां से आ जाएगा बेटा 1 by 4 से multiply कर दो तुम, तो या पहले simplify करो नीचे वाले को, मतलब bracket वाले को, x प्लस देखो बेटा ये एलसीएम लोगे तो 1 बाई टू तो बाहर नहीं है, ये 4x प्लस साइन 4x, 4x प्लस साइन 4x अपॉन 4, ठीक है, यहां से देखो 4x प्लस साइन 4x अपॉन 4 माइनस साइन 2x है ना प्लस c, ठीक है. अब यहां से देखो क्या करोगे, 1 बाई फोर का एंट्री करा दो, तो x बाई फोर प्लस 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, 32 हो गया, अब 4 बाई 32 होगा x बाई 8, ठीक है, प्लस अब देखो 1 बाई 32, देखो 4 टू जा 8, 8 4 जा 32, तो 1 बाई 32 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस सी. अब देखो x बाई 4 प्लस x बाई 8, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 8 हो जाएगा, 4 टू जा 8, 2x प्लस x, यानी इन दोनों को मिला के तुम लिख सकते हो 3x बाई 8 प्लस 1 बाई 32 साइन 4x माइनस साइन 2x प्लस सी, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. क्लियर, एक चीज मैंने यहां गलत कर दी, 1 बाई 4 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी 1 बाई 4 आएगा, लेट मी करेक्ट इट. ठीक है, चलो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 कैसे प्रोसीड करेंगे, देखो सी सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू द पावर 4 इंटू 2x dx, ठीक है,
यहां पे देखो बेटा, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2x को मान लो t, ठीक है, तो 2dx क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू dt। तो यहां से dx किसके बराबर होगा, dt by 2। तो ये हो जाएगा cos to the power 4t, और dx यहां पे dt by 2, 1 by 2 बाहर ले लो, एंड इसको अब लिखेंगे 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos square t का होल स्क्वायर इनटू dt, एंड cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 plus cos 2 थीटा by 2, 1 plus cos 2 थीटा यानी cos 2t upon 2 इनटू dt, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे इसको, 1 by 2, ठीक है, 1 by 2 अगेन बाहर आ गया, क्लियर। अब ये देखो स्क्वायर मैंने भूल गया, यहां पे cos स्क्वायर t 1 plus cos 2t by 2 और इसका स्क्वायर। अब देखो बेटा 1 by 4 बाहर आ गया, ठीक है, यहां पे देखो ये 1 by 4 है, मैं गलत लिख दिया, लेट मी करेक्ट इट। देखो 1 by 2 का स्क्वायर, 1 by 4 बाहर आ गया, अब इसका स्क्वायर करो, a स्क्वायर plus b स्क्वायर, ठीक है, cos स्क्वायर 2t plus लास्ट में क्या आएगा, 2ab, तो 2 cos 2t, ठीक है, और ये इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा, into dt ये भी रहेगा, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, सी 1 by 2, 1 by 4 taken outside, 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में t plus cos square t का अगेन करो, देखो इंटीग्रेशन ऑफ cos square 2t dt plus 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2t dt, ठीक है। Now 1 by 2 taken outside, अब देखो 1 by 4, अभी देखो बेटा क्या आएगा, ये ब्रैकेट लगा दो यहां पे, ठीक है, t plus, अब देखो cos square 2t, अब ये नहीं करना, 1 plus cos 2 theta, cos 2 theta means cos 4t upon में 2, 1 plus cos 2 theta by 2 into dt, plus 2 cos 2t का integration होगा sin 2t by 2, plus c, ठीक है। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, 1 by 2, ठीक है, into 1 by 4, bracket में t, plus, अब देखो 1 by 2 बाहर आ गया, ये 1 by 2, 1 का integration होगा t, cos 2t का sin, cos 4t का integration sin 4t by 4, है ना, plus, अब देखो ये 2, ये 2 तो cancel out हो गया, ये बच गया sin 2t, ठीक है, plus c। अब देखो 1 by 4 का इन सब में multiply पहले कर लो, 1 by 2, bracket में, देखो t by 4, प्लस 1 by 8 हो गया, 4 to 8, ब्रैकेट में 4t, LCM ले लो, 4t plus sin 4t, is it all right, upon 4, प्लस अब देखो 1 by 4 का sin 2t में करोगे तो आएगा 1 by 4 sin 2t, ठीक है बेटा, plus c। अब तुम्हें क्या करना है, simply जो है ना, इसका multiply कर देना है, पहले इसको simplify कर लो, और t by 4 plus 8 4 जा 32, 4 by 32 कितना हो जाएगा, t by 8, plus 1 by 32 sin 4t, plus 1 by 4 sin 2t, plus c, और t actual में है क्या, t यहां पे 2x के बराबर है, ठीक है, t किसके बराबर है, t is equal to 2x। तब देखो पहले एक बार, अब x t by 4 and t by 8, इसको solve कर लो, पहले देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t by 8 होगा, देखो t by 4, 4 to जाए 2t plus c, 3t by 8 हो गया, plus 1 by 32 sin 4t, plus 1 by 4 sin 2t, ठीक है बेटा, plus c तो रहेगा ही, ठीक है। अब देखो ये क्या आएगा, तो अब t की वैल्यू रख दो क्या, 2x, है ना, 1 by 2 का पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर लास्ट में t की वैल्यू रखेंगे, तो 3t by 16 plus 1 by 64 sin 4t plus 1 by 8 sin 2t plus c।
और t की वैल्यू रख दो बेटा 2x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 एक्स अपॉन 16, तो 3 बाई 8 एक्स आ जाएगा, प्लस 1 बाई 64 साइन 4 टू जा 8 एक्स, प्लस 1 बाई 8 साइन 2 इंटू 2 एक्स यानी 4 एक्स, प्लस सी, दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. इज इट ऑल राइट? ठीक है. नाउ लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट प्रॉब्लम 12. सी हाउ टू सॉल्व इट. सी सॉल्यूशन. ठीक है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इनटू डीएक्स. नाउ यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. यू कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इनटू डीएक्स. नाउ अगेन यूज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसको लिख सकते हो तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी आएगा. इज इट ऑल राइट? और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस कॉस एक्स. अब देखो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स कटा, अब आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स. तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला तोड़ दो, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डीएक्स. ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, या सिंपली इतना करने की जरूरत नहीं है बेटा. दिस वन इज रॉन्ग, या ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका हो सकता है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है बिकॉज डेरिवेटिव. अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बचाइए तो सीधे इंटीग्रेशन इसका पॉसिबल होगा. तो ये होगा एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन 13. अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट, हाउ टू सॉल्व इट. इसका सॉल्यूशन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इंटू डीएक्स. अब देखो कॉस 2x को लिख सकते हैं बेटा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस कॉस 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, इसको एज इट इज रहने दो, है ना, डीएक्स. अब देखो माइनस वन प्लस वन डिडक्ट हुआ, इफ यू टेक टू कॉमन, तो देखो टू कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, है ना बेटे, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा. यस, नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यू कैन राइट एक ब्रैकेट में ए माइनस बी कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इनटू आएगा डीएक्स. तो कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कैंसिल आउट, तो ये बच गया इंटीग्रेशन. देखो टू बाहर आ गया, इस टू को हमने बाहर ले लिया, ब्रैकेट में बचा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा इंटू डीएक्स, ठीक है, तो 2 कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स. अब देखो कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, कॉस अल्फा बाहर आ गया और अंदर बच गया डीएक्स प्लस सी, और डीएक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स बिकॉज अल्फा इज ए कॉन्स्टेंट. ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस सी. यहां पर लिख लो अल्फा क्या है, एनी कॉन्स्टेंट. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. दिस वन इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. सी सॉल्यूशन, हाउ टू सॉल्व इट. कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है बेटा. तो देखो इसको हम प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ टू प्रोसीड इट. इनटू डीएक्स है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, न्यूमरेटर में जैसा है वैसा लिख दो. अब देखो इसको लिखेंगे 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो साइन 2x को लिखेंगे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है. तो न्यूमरेटर को लिखेंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स,
और डिनोमिनेटर का लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहां से बेटा लेट कर लो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू टी, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज डी एक्स दैट विल बी इक्वल टू डी टी। तो देखो यहां से अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह पे क्या लिखोगे डी टी लिखोगे, तो हो जाएगा डी टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर, वन बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस वन बाई टी प्लस सी, प्लग द वैल्यू ऑफ टी हियर, तो माइनस वन बाई टी, टी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, चलो लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ टैन क्यूब टू एक्स इंटू सेक टू एक्स डीएक्स। सबसे पहले देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2x को मान लो t, तो 2dx किसके बराबर आएगा दैट विल बी इक्वल टू dt, तो यहां से dx किसके बराबर हो जाएगा तो बोलेंगे dt by 2। तो ये हमारा फंक्शन जो कन्वर्ट हो गया वो हो गया, देखो इस dx की जगह पे क्या लिखेंगे dt by 2, 1 by 2 बाहर हमने ले लिया, tan क्यूब t इंटू sec t dt। ठीक है बेटा 1 by 2। अब देखो tan क्यूब t को हम ऐसे लिखेंगे tan स्क्वायर t इंटू tan t, है ना बेटा, इंटू sec t लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू dt। अब इस tan स्क्वायर t को हम चेंज कर देंगे sec स्क्वायर t माइनस 1 में, किसमें चेंज कर देंगे tan t, tan स्क्वायर t इज नथिंग बट sec स्क्वायर t माइनस 1, ठीक है, इंटू tan t sec t इंटू dt। अब देखो sec t को तुम क्या मानोगे, sec t को कुछ u और v मान लो, ठीक है, तो लेट कर लो यहां से लेट कर लो sec t को मान लेंगे v, क्या मान लेंगे v, तो sec t का डेरिवेटिव क्या होगा sec t इंटू tan t, और ये t का फंक्शन है तो इधर आएगा dt इक्वल टू v का डेरिवेटिव v के रिस्पेक्ट में 1 इंटू dv आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे, तो यहां से बेटा सी केयरफुली, यहां से देखो tan t इंटू sec t इंटू dt, इसकी वैल्यू क्या हम रखेंगे tan t इंटू sec t इंटू dt दैट इज इक्वल टू dv, है ना, तो इसको रिप्लेस कर दो यहां पे, तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1 बाई टू, ठीक है, sec स्क्वायर t को हमने v मान लिया, sec t को v मान लिया, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1, है ना बेटा, एंड sec t tan t dt को हम लिखेंगे dv। अब यहां से देखो 1 बाई टू, 1 बाई टू वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में तो बोलेंगे v क्यूब बाई थ्री, माइनस 1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में तो v प्लस सी, अब v की वैल्यू रख दो, v एक्चुअल में क्या है sec t है, यहां पर रखोगे 1 बाई टू sec क्यूब t अपॉन थ्री माइनस sec t, v क्या है एक्चुअल में sec t है, यहां पर रख दो sec t, ठीक है बेटा प्लस सी, और एक्चुअल में टी क्या है बेटा, टी जो है 2x है, हमारा फंक्शन तो x में दिया था, अब यहां पे वैल्यू प्लग कर दो तो 1 बाई टू ये हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा 16 क्वेश्चन सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन ऑफ tan टू द पावर 4x dx। अब देखो इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x लिखेंगे इंटू dx, और tan स्क्वायर x को लिखो बेटा sec स्क्वायर x माइनस 1 में इंटू tan स्क्वायर x dx, मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस 1 का tan स्क्वायर x में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा tan स्क्वायर x dx। अब यहां से देखो बेटा tan x को मान लो t, tan x को क्या मान लो t, तो tan x का डेरिवेटिव
sec square x dx, that will be equal to dt. Sec square x dx, that is dt, तो इसको हम लिखेंगे tan x हमने t माना तो ये हो जाएगा t square into dt, ठीक है? Minus tan square x को हम लिखेंगे sec square x minus 1 into dx. अब t square का integration होगा t cube by 3 minus sec square x का होगा tan x plus x हो जाएगा. Minus x होगा, 1 का integration x, minus entry करेगा तो plus plus c. And plug the value of t here, t is what, tan x. So you can write tan cube x upon 3 minus tan x plus c. Am I clear to all of you? Okay, see. Now let's try to do next question 10. How to solve it? See solution. Integration of sine cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x dx. Now use formula a cube plus b cube. A cube plus b cube का क्या formula था? A plus b तो sin x plus cos x, या और हम simplify कर सकते हैं इसको, ठीक है? देखो, बेहतर है कि हम इसको करने के बजाय separate कर दें तो और आसान हो जाएगा. देखो, sin cube x upon, अब ये देखो, जब हम इसको separate करेंगे तो क्या मिलेगा? Sin cube x upon sin square x into cos square x होगा dx plus cos cube x upon, ये करो तो एक step और लिख लेते हैं, cos cube x upon sin square x into cos square x dx, ठीक है बेटा? अब देखो, एक sin square कटा, इससे ऊपर बच गया sin x, है ना, और नीचे cos square x है, तो इसको लिखोगे cos x into cos x, लिख सकते हो cos square x को, dx का dx रहेगा plus. अब देखो, ये कटा, ऊपर बच गया cos x, cos x ऊपर बचेगा, नीचे sin square x है, तो इसको लिखोगे sin x into sin x, ठीक है, into dx. तो देखो, sin b cos क्या लिखोगे, tan x, 1 by cos क्या लिखोगे, sec x, तो this is tan x into sec x dx plus cos by sin, that is what, cot. इसको लिखोगे cot x into 1 by sin, क्या हो जाएगा, cosec x dx, clear? अब देखो, tan x into sec x का integration होता है sec x, अगर मान लो भूल गए तो देखो, sec x का derivative क्या होता है, sec x into tan x, तो sec x into tan x का integration क्या होगा, sec x plus, अब देखो, cot x into cosec x का integration क्या होगा, minus cosec x, तो ये हो जाएगा minus cosec x plus c, ये हमारा answer हो गया, find sec x minus cosec x plus c, ठीक है? चलो, let's try to solve next question. In question 18, see solution, how to proceed it. देखो, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 minus 2 sin square x, है ना? इसको हमें integrate करना है dx. तो cos 2x को हमने ये रख दिया, plus 2 sin square x है, तो इसको रखेंगे ये ऐसे ही, upon क्या बेटा, cos square x. एक line का question था. ये गया इसे 1 by cos square x, that is nothing but sec square x, and integration of sec square x, you know very well, क्या होता है, tan x, tan x plus, ये हमारा answer हो गया. See in question 19, solution, integration of 1 upon sin x into cos cube x. अब देखो बेटा, इस 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin square x plus cos square x, you can substitute 1 by, or in other words you can say replace 1 by sin square x plus cos square x. Now do separate cos cube x, अब इसको separate करो, sin square x upon this, तो एक step और लिख देते हैं, sin square x upon sin x into cos cube x dx plus cos square x upon sin x into cos cube x dx, ठीक है? देखो, sin x कटा, एक sin by cos कितना हो जाएगा बेटा, tan x, sin x by cos x tan x, ऊपर एक sin बचा, नीचे cos cube बचा, तो एक cos यहां से ले लो, तो sin by cos tan, 1 by cos square x sec square x dx plus, अब देखो, एक cos square कटा, एक cos बचेगा, 1 by sin cosec x, and 1 by cos क्या हो गया, sec x, 1 by cos क्या हो जाएगा, sec x,
सेट एक्स, ठीक है, इनटू डीएक्स, ठीक है। या ऐसा करो, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो कैसे, रादर देन, अब नीचे क्या बच गया, तुम देखो ऊपर नीचे, ऊपर है डीएक्स, नीचे क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ऐसे रख लो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो दो से मल्टीप्लाई, दो से डिवाइड कर दो और आसान हो जाएगा। टेन एक्स को टी मान लो, तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डी टी, यहां पर लिख लो टेन एक्स इज इक्वल टू टी, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या हो जाएगा, डी टी, तो ये हो जाएगा टेन एक्स को टी, तो टी डी टी प्लस 2 अपॉन साइन 2x, 2 साइन x cos x होता है साइन 2x इंटू dx, ठीक है। अब यहां पे लिखोगे t स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटीग्रेशन ऑफ cosec 2x dx, cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, t की वैल्यू रख दो, t क्या है tan x, तो tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2, अब देखो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x, तो cosec 2x माइनस cot 2x, अब देखो 2x का डेरिवेटिव होगा 2, तो बाई 2 कर देंगे, ये बाई 2 भी आएगा, कीप इन माइंड, प्लस सी, अब इस 2 को इस 2 से कैंसिल करा दो, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस log cosec 2x माइनस cot 2x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको और भी चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है ना, इसको और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, देखो cosec 2x को लिखो, हम ऐसे लिख सकते हैं 1 by sin 2x, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें, जैसे मान लो हम चाहते हैं कि इसको और सिंपल फॉर्म में लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं tan square x by 2, यहां भी छोड़ दोगे एग्जाम में तो फुल नंबर मिलेगा, बट इफ यू वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट, तो रिप्लेस cos 2x by 1 by sin 2x, ठीक है, माइनस cot 2x को हम लिखेंगे cos 2x upon sin 2x, is it all right? और छोटा हो जाएगा, और क्या, ये भी गलत नहीं है, this one is also correct, simply you have to keep in mind, tan square x by 2 plus log, अब देखो numerator में क्या आएगा, 1 minus cos 2x upon आ जाएगा sin 2x, cos having tendency to delete 1, eliminate 1, इसको लिखोगे tan square x by 2 plus log, देखो 1 minus cos 2x होता है 2 sin square x, 2 sin square x, and sin 2x को लिखेंगे 2 sin x into cos x, है ना बेटे, 2 से 2 गया, sin से sin गया, sin because tan x हो जाएगा, तो simplify करोगे तो ये आ जाएगा tan square x upon 2 plus log, bracket में हो जाएगा tan x plus c, ठीक है, ये भी आंसर लिख सकते हो। चलो लेट्स ट्राई टू डू नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इन क्वेश्चन 20 सॉल्यूशन, देखो रिप्लेस cos 2x बाय cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था, तो देखो cos 2x को मैंने रखा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और नीचे क्या है cos x plus sin x का होल स्क्वायर into dx, अब देखो a square minus b square को अगर break करोगे तो क्या आएगा a plus b, एक bracket में a plus b, दूसरे bracket में a minus b, cos x minus sin x, है ना, upon क्या आएगा cos x plus sin x का whole square, अब देखो cos x plus sin x इससे कटा into dx भी आएगा, तो आगे numerator में cos x minus sin x, डिनोमिनेटर में आ गया cos x plus sin x into dx, अब यहां से बेटा लेट कर लो cos x plus sin x को t मान लो, cos x plus sin x is equal to t, derivative of cos is minus sin x and derivative of sin x is cos x dx, that must be equal to dt, तो cos x minus sin x dx को हम क्या लिखेंगे dt, देखो cos x minus sin x dx that is equal to dt, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा dt upon t, dt by t का होगा log t, log t, ठीक है, plus c, और t की वैल्यू आप सिंपल डाल दो, तो देखो ये आएगा log, what is t, तो t is sin x plus cos x, this one is our final answer, ठीक है, चलो next लिखते हैं, c solution,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स। अब देखो बाहर साइन इनवर्स है तो भीतर अगर साइन का फंक्शन हो तो साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा, तो कॉस को लिखेंगे साइन पाई बाई टू प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं, प्लस एक्स भी करोगे तो भी आएगा, माइनस एक्स भी करोगे तो भी आएगा इंटू डी एक्स। ठीक है, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है, एंड साइन पाई बाई टू माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो ये क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखो साइन इनवर्स एक्स का रेंज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक होता है, तो ये कौन एक्सेप्टेबल होगा माइनस वाला, तो इसीलिए हम माइनस वाला ले लेते हैं, इसको प्लस वाले को हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाएगा बेटे, पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो पाई बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, ये यहाँ पे x आएगा माइनस x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई टू प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटे, नाउ लेट्स ट्राई टू डू क्वेश्चन 22। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रोसीड करने का तरीका क्या होता है, सॉल्यूशन वन बाय, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b, sin a माइनस b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देखो साइन ए माइनस बी से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ए और बी कांस्टेंट है यहां पे, ए एंड बी क्या है तो बोलेंगे ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, इनटू डीएक्स। तो देखो बेटा इसको क्या लिखेंगे, वन बाई साइन ए माइनस बी तो बाहर आ गया है ना, अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स माइनस बी, ठीक है, एक ब्रैकेट में माइनस एक्स माइनस ए। देखो मैंने ऐसा इसलिए लिखा, जब माइनस एंट्री करेगा तो देखो माइनस एक्स प्लस ए हो जाएगा, तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स डिडक्ट हुआ, माइनस माइनस प्लस ए, यहां पे ए माइनस बी बच जाएगा, हमें ए माइनस बी ही चाहिए। ठीक है, समझ गए, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि हम साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे तोड़ के आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं, और नीचे है कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ठीक है बेटे, इज इट ऑल राइट, नाउ सी, अब इसको लिखोगे वन बाय साइन ए माइनस बी, ये तो बाहर ही गया होगा। अब ये देखो साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी तोड़ो, साइन ए cos b माइनस cos a sin b है ना, अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b इंटू dx। अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, sin a माइनस b जो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी टेकन आउटसाइड, अब देखो दिस अपॉन दिस करो, तो अब देखो इमेजिन करो जिस पर मैं कर्सर मूव करा रहा हूं, दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, देखो कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए कटा, साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, तो साइन में कॉस टैन हो जाएगा, तो यहां पे लिख देंगे टैन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स माइनस। अब देखो अगर हम दिस अपॉन दिस करें, कॉस एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी डिडक्ट हुआ, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, तो टैन एक्स माइनस ए हो जाएगा, इंटीग्रेशन लिखोगे टैन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर, और ये बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में। अब आगे हम इसको प्रोसीड कर देंगे, देखो टैन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टैन एक्स का होता है माइनस लॉग कॉस एक्स या लॉग सेक एक्स, ठीक है, तो देखो टैन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, तो एक्स माइनस बी हो जाएगा, और ये आएगा माइनस लॉग कॉस एक्स, तो माइनस पहले से था तो प्लस हो जाएगा माइनस लॉग कॉस एक्स। अब देखो बेटे प्लस ही आएगा, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम बाय एन होता है, ठीक है, यहां पे लिखोगे वन बाई साइन ए माइनस बी है ना, ये हो जाएगा लॉग एम बाय एन, तो लॉग कॉस x माइनस है, अब देखो log हमेशा मॉड के अंदर डिफाइंड होता है, ये माइंड में रखना है, अपॉन cos x माइनस b, ये मॉड में आएगा,
प्लस सी, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, देखो ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। तो देखो बेटा हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सी सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस। अब इसको सेपरेट कर दो, तो इसको लिखोगे ऐसे है, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये दोनों आएंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो ये साइन से साइन कटा, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx, माइनस कॉस से कॉस कटा, वन बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x एंड cosec स्क्वायर एक्स का होता है माइनस cot x, तो माइनस इज ऑलरेडी देयर तो प्लस cot x हो जाएगा, तो tan x plus cot x plus c, तो 23 का आंसर क्या होगा, a, a इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन 24, ये कह रहा है e टू द पावर x 1 plus x अपॉन cos स्क्वायर e टू द पावर x into dx। तो देखो e का पावर x इंटू एक्स को t मान लो, लेट कर लो, लेट कर लो बेटा e टू द पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t। अब इसमें प्रोडक्ट लगाओ, पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव 1 प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव e का पावर x इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू dt। अब यहां से e का पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा x प्लस 1 dx दैट इज इक्वल टू dt। अब देखो बेटे e to the power x x plus 1 dx, इसकी जगह पे क्या रखोगे, देखो e to the power x x plus 1 dx इसकी जगह पे क्या रखेंगे dt, तो देखो ये हो जाएगा, यहां से देखो प्रोसीड में कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा dt upon cos square t। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec square t dt, और sec square t का इंटीग्रेशन होता है tan t plus c, तो ये हो जाएगा tan t, t की वैल्यू क्या रखेंगे x into e to the power x plus c, x into e to the power x, तो tan x into e to the power x plus c, तो करेक्ट आंसर होगा b। ओके, थैंक यू।